खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े सभी घटक संगठनों के सदस्यों, बुद्धिजीवियों और सहयोगियों की बैठक हुई। बैठक में विधायक डूंडी लोहरा और जिला किसान संघ बालूर के संरक्षक चुनक लाल ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा हुई। लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 15 से 26 सितम्बर को विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपेगा। वहीं प्रदेश में 1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार से हम किसान मांग कर रहे हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो फसल है ये तैयार है, ये 15 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। 5 अक्टूबर तक दशहरा है और दशहरा के बाद किसानों का हरूना किस्म का जो फसल है वो आना शुरू हो जाएगा। हर बार किसानों को जो फसल कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरूणा किस्म की जो धान है वो नवंबर तक एकदम तैयार हो जाएगी।